स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर जो हर मौसम में आगे रहता है, तो आज हम बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम की। तो अभी मार्च का महीना एंड चला हुआ है, लेकिन अप्रैल और मई का तापमान अभी बहुत कुछ बढ़ने वाला है। लेकिन आज का हम बात करेंगे, गर्मी की बात करेंगे, तो 37 से 38 टेम्परेचर गर्मी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मैं गर्मी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि महानगर पालिका की ओर से हर साल गर्मी के मौसम में जहाँ जहाँ सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स पर जो है छांव की जाती थी, छत डाला जाता था, ताकि लोग जो है 80 सेकंड से 120 सेकंड तक का ये रेंज है, सिग्नल का रेंज है जो सिटी में लगाया गया है, ताकि जब सिग्नल पर रुके तो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए राहत महसूस करें। लेकिन लोग परेशान हैं और सिग्नल बाकायदा इस तपती हुई धूप में सिग्नल ऑन है, लोग परेशान हैं। लेकिन महानगर पालिका को इसकी गर्मी का एहसास कब होगा, कब यहाँ पर लोगों के लिए, सिग्नल पर रुकने वाले व्हीकल्स के लिए, लोगों के लिए छत का इंतज़ाम करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। आइए लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो महसूस कर रहे हैं। इस बार तो अभी तक का 10 साल से इतना धूप कभी नहीं आया। जी। इस बार 10 साल से हम देख रहे हैं, इस बार मार्च महीने में ही इतनी गर्मी है, तो अप्रैल और मई महीने में कितनी गर्मी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना चाहिए सरकार को और जिलाधिकारी को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी जी। क्या मेरा नाम संतोष हलवाई। महानगर पालिका और सपोर्ट ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ ಅನ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಲ್ ಛತ್ತದ ಹಾಕರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾ ಬೇಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಅನ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಸಿ ಮುಗಿತನ ಕಲ್ಮೇಶ್ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೋ ಅಬ್ ಹಮ್ ಜಹಾ ಪರೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಮೇ ಹಮ್ ಡೇರೆ ಹೋಯೆ ತೋ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಮೇ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕೆ ಯಹಾ ಪರ್ ಜೋ ಹೈ चार रास्ते यहाँ पर मिलते हैं और चारों तरफ सिग्नल्स हैं, और सिग्नल्स में लोग किस तरह से इस तपती हुई धूप में ठहर कर गर्मी को महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महानगर पालिका के ओर से किसी भी चौराहे पर, सिग्नल पर अब तक जो है छांव का इंतज़ाम नहीं किया गया, और लोग इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान हाल होकर सिग्नल का वेट कर रहे हैं, सिग्नल छूटने का वेट कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द वो निकल सके। तो आपने देखा कि जनता धूप से किस तरह परेशान है, और सिग्नल पर किस परेशानी, कौन सी, क्या क्या परेशानी वो झेल रही है धूप की वजह से, क्या महसूस कर रही है, और महानगर पालिका से गुहार लगा रही है कि चंद सेकंड ही सही वो उन्हें राहत की सांस दे और जल्द से जल्द जो है सिग्नल्स पर छांव का, छत का इंतज़ाम करे। तो जनता यही गुहार लगा रही है महानगर पालिका के कमिश्नर को, और अब देखना बाकी है कि जनता की आवाज़ महानगर पालिका के अधिकारी कब सुनते हैं और सुनकर महसूस करते हैं, और कब छत का इंतज़ाम करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।